दोस्तों स्वागत है आप सभी का रेडेक पे। फाइनली आईफोन 13 सीरीज लॉन्च हो चुका है एक मैसिव हाइप के बाद, एक ऐसी हाइप के बाद जिसमें न जाने क्या क्या कही जा रही थी। यहां तक कही गई कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का सेटिंग्स भी इसमें हमें देखने को मिलेगा, यानी कि आईफोन 13 में देखने को मिलेगा। लेकिन फाइनली जब लॉन्च हुआ तो क्या हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही पिछले साल के मुकाबले यानी कि आईफोन 12 के मुकाबले आईफोन 13 कितना बेहतर है ये भी जानेंगे, क्योंकि इस बार एप्पल वालों ने अपने प्रेजेंटेशन में ये नहीं दिखाया या फिर जानबूझ के मिस किया, जानेंगे इस वीडियो में। हालांकि लॉन्च तो बहुत कुछ हुआ था, हमारा फोकस आईफोन सीरीज पे रहने वाला है इस वीडियो के लिए, तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं रेडेक। आइए जानते हैं। दोस्तों कंपैरिजन में आने से पहले आईफोन में इस बार नया क्या क्या था। आईफोन 13 में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लोगों को लगी वो है सिनेमैटिक मोड। जब भी आप वीडियोस के लिए आईफोन का इस्तेमाल करोगे, भले ही वो आईफोन 13 मिनी क्यों ना हो, वहां पे आपको मिलेगा स्मार्ट सिनेमैटिक मोड। स्मार्ट सिनेमैटिक मोड प्रेजेंटेशन में बहुत ही बेहतरीन लग रहा था। ये देखना होगा कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में स्मार्ट सिनेमैटिक मोड का कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा लग रहा था इसको देखने में, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो DSLR आते हैं, मैं स्मार्टफोन्स की तो बात कर ही नहीं रहा, जो DSLR आते हैं वो भी ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते। आपको बेसिकली महंगे DSLR चाहिए इस तरह की चीजें करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आईफोन ये बेहद ही स्मूथ तरीके से, स्मार्ट तरीके से ये चीज करता है। यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट ब्लर हो जाता है और ऑब्जेक्ट पे फोकस चला जाता है, बाय डिफॉल्ट कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो इसको आप ठीक कर सकते हो वीडियो में। यानी कि एक बार अगर वीडियो आपका रेंडर हो गया, यानी कि आपने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसमें आपको लगा कि इस जगह जो ब्लर था वो मुझे चेंज करना है, तो आप लिटरली उसे चेंज कर सकते हो। ब्लर के डेप्थ को चेंज कर सकते हो, ब्लर के इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ ब्लर के जगह को भी चेंज कर सकते हो। अगर आपका सब्जेक्ट ब्लर है तो आप फिर बैकग्राउंड को भी ब्लर कर सकते हो, सब्जेक्ट को पूरा क्लीन कर सकते हो और वो क्लीन हो जाता है। ये एटलीस्ट प्रेजेंटेशन में हमें दिखाया गया और ये बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखना होगा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये काम कैसे करता है, लेकिन लिटरली अगर ये उतना ही स्मूथ तरीके से काम कर गया जिस हिसाब से दिखाया गया, तो इस प्राइस रेंज में ये DSLRs भी करके नहीं देती। आपको मैन्युअली DSLR में ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। एक फुल टाइम तौर पे आपको एक कैमरामैन रखना पड़ता है जो बेसिकली ये करके दे। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है डेली व्लॉगर्स के लिए। आज के डेट में हम देख रहे हैं कि व्लॉगिंग इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, शायद उसी को ध्यान में रख के ये फीचर इसमें दिया गया है। तो ये एक बहुत ही नई चीज थी आईफोन 13 के लिए। ऑब्वियस सी बात है, नया आईफोन है तो नया चिपसेट तो होगा ही। तो यहां पे हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया आईफोन के नए प्रोसेसर से A15 बायोनिक। A15 बायोनिक बेसिकली कुछ भी नहीं है, A14 बायोनिक का ही एक नया वर्जन है। यहाँ पे अगर आपको ज्यादा कोर्स और थ्रेड्स देखने को मिलेंगे आप ये सोच रहे हो, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे उतने ही कोर्स और उतने ही थ्रेड्स दिए गए हैं। इवन GPU में भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लगभग सेम है, शायद प्रो मॉडल में थोड़ा अलग है, उसके बारे में हम बात करेंगे विस्तार से, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बाकी जो कैमरा डिजाइन है, डायमेंशन है, उन सबको सेम रखा गया है। एक एक करके बात कर लेते हैं मॉडल वाइज कि क्या कुछ चेंज मिलेगा हमें पुराने आईफोन के मुकाबले नए आईफोन में, और नए आईफोन की जो प्राइस है उसको देखते हुए क्या हमें नया आईफोन लेना चाहिए या फिर पुराना आईफोन बेहतर है आज के तारीख में, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने इस कंपैरिजन को। जो हमारा आईफोन 12 है उसके डिस्प्ले से हम स्टार्ट करते हैं और कंपेयर करेंगे इसको आईफोन 13 के साथ। यहाँ पे मैं आईफोन मिनी के भी कुछ कुछ डेटाज बोलता रहूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि कितना डिफरेंस है इन तीनों में ही। यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं आईफोन 12 और आईफोन 13 की। तो दोस्तों डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो डिस्प्ले लगभग आइडेंटिकल यहाँ पे मिलता है, बिल्कुल ही सेम है। जो टेक्नोलॉजी है वो भी सेम है, सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले हमें दोनों में ही देखने को मिल जाता है। 6.1 इंच की डिस्प्ले है जो कि आती है OLED स्क्रीन के साथ। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, पिक्सल डेंसिटी भी आपको सेम देखने को मिलता है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी सेम है। जो डिफरेंस है, जो मेजर चीज है डिस्प्ले के लिहाज से इन दोनों ही फोन्स में, वो है ब्राइटनेस। जो मैक्स ब्राइटनेस है नॉर्मल तौर पे वो है 625 आईफोन 12 पे, और यहाँ पे HDR की जो ब्राइटनेस है वो अलग से काउंट होती है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, तो यहाँ पे जो HDR की ब्राइटनेस है वो इन तीनों में, यानी कि आईफोन 12, आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी, इन तीनों में ही जो ब्राइटनेस है HDR की वो 1200 नीट्स है। तो यहाँ पे 1200 नीट्स की ब्राइटनेस हमें देखने को मिलती है HDR में, जो कि सेम है अक्रॉस एवरी आईफोन, यानी कि आईफोन 12, आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी में। लेकिन जो ब्राइटनेस है, टिपिकल ब्राइटनेस, वो हमें
डिफरेंट देखने को मिलती है, और 800 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है 13 में, जो कि आपको असर दिखाएगी जब आप साइड बाई साइड कंपेयर करोगे तो, क्योंकि 125 नीट्स की जो ब्राइटनेस हाइक है वो लिटरली आप फील कर सकते हो, क्योंकि वो स्क्रीन उतनी ज्यादा ब्राइट हो जाती है। दोस्तों दूसरा जो मेजर चेंज बताया गया वो बताया गया चिपसेट को लेके। यहाँ पे चिपसेट को लेके एक चेंज बताया गया कि नहीं, हम A15 बायोनिक लेके आ रहे हैं, A14 से बेहतर है। A14 से कितना बेहतर है ये तो पता नहीं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली एक चीज क्लियर कर दूं कि इन दोनों ही प्रोसेसर में मेजर डिफरेंस नहीं है। जान लेते हैं क्यों। A15 बायोनिक में जहां हमें देखने को मिलता है 6 core GPU with 2 performance और 4 efficiency cores, यहां पे हमें 4 GPU cores भी देखने को मिलते हैं और 16 core neural engine भी हमें देखने को मिलता है। A15 बायोनिक की मैं बात कर रहा था, अब देख लेते हैं A14 बायोनिक की। यहां पे A14 बायोनिक की अगर स्पेसिफिकेशंस पे गौर करोगे तो यही सेम चीज मिलता है, सिर्फ न्यू वर्ड हटा दो आप वहां से। यानी कि बेसिकली एप्पल ने A15 में बहुत ज्यादा नया नहीं किया है, ना ही आर्किटेक्चर बदला है और ना ही कोर्स और थ्रेड्स बढ़ाए हैं। हुआ क्या होगा बैकग्राउंड में, जो इन्होंने बताया नहीं कि कोर्स और थ्रेड्स के जो क्लॉक स्पीड्स हैं उसको बढ़ा दिया होगा। कोर्स के जो बेसिकली क्लॉक स्पीड होते हैं उसको इन्होंने थोड़ा सा इंप्रूव किया होगा और ये बन गया न्यू A15 बायोनिक चिप। परफॉर्मेंस इंक्रीज जो भी की गई है वो सॉफ्टवेयर के लिहाज से की गई है, हार्डवेयर के लिहाज से उतनी ज्यादा इंक्रीमेंटल चीज हमें देखने को नहीं मिली iPhone 13 में। यहां पे एक चीज दिमाग में आता है कि चलो प्रोसेसर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं किया तो कैमरा बहुत ज्यादा इंक्रीज किया होगा, कोई एक चीज तो कंपनसेट करने की कोशिश की गई होगी यहां पे। कैमरा के बारे में भी मैं बता देता हूं आपको। कैमरा की अगर मैं बात करूं iPhone 13 की तो ये स्पेसिफिकेशंस है, और कैमरा की अगर मैं बात करूं iPhone 12 की तो ये स्पेसिफिकेशंस है। यहां पे आप लिटरली पढ़ सकते हो, मैं एक एक करके सब चीजों को रीड नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप यहां पे कंपेयर कर सकते हो कि कैमरा में लिटरली कोई डिफरेंस नहीं है, हार्डवेयर आपको सेम दिखेगा। एक पल के लिए आप टॉप पे जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है उस पे गौर करो तो आपको पता लग जाएगा जो हार्डवेयर है वो सेम है। 12 मेगापिक्सल का वाइड और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा हमें देखने को मिलता है, वही जो फोकल लेंस है वो भी सेम है, अपर्चर F1.6 और अपर्चर F2.4 हमें दिया गया है दोनों में। तो आखिर यहां पे डिफरेंस कहां है? यहां पे डिफरेंस बेसिकली है दो जगहों पे। एक है स्मार्ट HDR3 के केस में। iPhone 12 में हमें देखने को मिलता था स्मार्ट HDR3 और iPhone 13 में इसे बढ़ा के कर दिया गया है स्मार्ट HDR4। कितना क्या इंक्रीज है ड्रामेटिकली ये हमें देखना पड़ेगा, बट हां नाम में तो एक इंक्रीमेंटल वैल्यू ऐड हुई है जैसे iPhone 12 से iPhone 13 में हुई है। दूसरा जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज है जो मुझे लगता है बहुत पहले आ जाना चाहिए था लेकिन अभी आया है, इसे एप्पल ने नाम दिया है फोटोग्राफिक स्टाइल। बेसिकली फोटोग्राफिक स्टाइल्स क्या करता है कि आपके मनपसंद सेटिंग्स को वो सेव करके रखता है और उस सेटिंग को आप हर फोटो में यूज कर सकते हो। सकता है आपको समझ ना आया हो कि ये काम कैसे करता है। सपोज आपने एक मैन्युअली सेटिंग किया पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए, एक पर्टिकुलर सीन क्लिक करना था उसके लिए आपने एक सेटिंग सेट किया, अब उस सेटिंग को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, उस सेटिंग्स को वो सेव रखेगा एक अलग से फाइल में, एक अलग से कैटेगरी वाइज। यही चीज अगर मैं आम भाषा में बताऊं, एकदम लेमैन्स लैंग्वेज और एंड्रॉइड यूजर्स के भाषा में बताऊं तो इसे कहते हैं फिल्टर्स। एंड्रॉइड में ये बहुत पहले से है और फिल्टर्स फाइनली अलग तौर पे आईफोन में हमें देखने को मिला है। फिल्टर्स आमतौर पे आप एंड्रॉइड फोन्स में यूज करते हो, कैंडिड मोड हुआ या अलग अलग तरह के मोड्स हुए। बेसिकली एप्पल ने इस फोटोग्राफी स्टाइल के साथ यही करने की कोशिश की है। वहीं गाइस फ्रंट कैमरा को लेके भी कोई चेंजेस नहीं है, फ्रंट कैमरा भी लगभग दोनों फोन के सेम है। जो बैक कैमरा में चेंजेस है वही सेम चीज फ्रंट कैमरा में है तो मैं अलग से नहीं बता रहा हूं। हां यहां एक चीज बताना भूल गया कि जो डॉल्बी विजन पिछले साल इंट्रोड्यूस किया गया था आईफोन 12 के साथ, तो यहाँ पे डॉल्बी विजन जो हमें आईफोन 12 में मिलता था वो मिलता था 30 FPS के साथ, पर अब आईफोन 13 में आप डॉल्बी विजन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 60 FPS के साथ। तो दोगुने FPS के साथ आप आईफोन 13 में डॉल्बी विजन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा लिटरली आईफोन 12 और आईफोन 13 में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। हाँ छोटे मोटे चेंजेस, बहुत माइनर चेंजेस अगर हुए तो हुए। एक चीज जो डिजाइन से रिलेटेड चेंज हुआ है जिसको मैं बताना भूल गया वो है बैक कैमरा से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे। बैक कैमरा का डिजाइन कुछ इस तरीके से था आईफोन 12 में, अब इसे इस तरीके से कर दिया गया है आईफोन 13 में, ताकि पीछे से देख के पता लग पाए कि आईफोन 13 ये है और आईफोन 12 ये है। मींस आपने एक आईफोन 13 फोन लिया है, ये बैक कैमरा से देख के पता लग पाए, इसके लिए ये बेसिकली किया गया है, क्योंकि ये करने का बेसिकली कोई और मतलब तो बनता ही नहीं है। तो ये थी गाइस मेजर डिफरेंस आईफोन 12 और आईफोन 13 के बीच में। यहां पे जो प्राइस में डिफरेंस है वो भी आप जान लो। दोस्तों आईफोन 12 की अगर मैं प्राइस की बात करूं, प्राइस कट होने के
बाद तो इंडिया में जो इसकी प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 65,990 रुपीज 64 GB वेरियंट के लिए, और यहाँ पे आईफोन 13 जो लॉन्च हो रहा है वो हो रहा है 79,990 रुपीज से 128 GB वेरियंट से। यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं कि 128 GB ही मिनिमम वेरियंट आपको आईफोन 13 में देखने को मिलेगा। आईफोन 13 में बेसिकली 64 GB का वेरियंट खत्म कर दिया गया है और शायद आने वाले वक्त के लिए एक बेंचमार्क है, आपको आने वाले वक्त में शायद आईफोन्स में 64 GB स्टोरेज देखने को ना मिले। वेल अगर आप आईफोन 12 128 GB की प्राइस कंपेयर करना चाहते हो आईफोन 13 से तो वो भी आपको लिखा दिख रहा होगा। यहाँ पे आईफोन 12 128 GB की जो प्राइस है वो है 70,900 रुपए। अब 9,000 एक्स्ट्रा देके आपको क्या अलग मिल रहा है ये आपको अब बेहतर तरीके से पता है, तो आप आराम से जज कर सकते हो कि आपको क्या लेना चाहिए, आईफोन 12 या फिर आईफोन 13। दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं आईफोन 13 मिनी और आईफोन 12 मिनी के बारे में, क्योंकि मिनी वर्जन पे बहुत लोगों का फोकस रहता है खासकर इंडिया में, तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या फर्क है आईफोन 12 मिनी से और आईफोन 13 मिनी में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि वीडियो का अगर आप अंत तक देखते हो, यहां तक देख रहे हो तो वीडियो के अंत में एक कंप्लीट प्राइस चार्ट मैं दे दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पढ़ भी सकते हो कि प्राइस कट होने के बाद हर एक मॉडल की प्राइस क्या रह गई है और नए आईफोन्स कितने प्राइस में लॉन्च होंगे, उसका एक कंप्लीट सिंगल चार्ट में मैं उसको वीडियो के एंड में प्रेजेंट कर दूंगा, तो आप उसको आराम से रीड कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं आईफोन 12 मिनी के बारे में। आईफोन 12 मिनी की बात करें तो यहां पे हमें आईफोन 13 मिनी में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिलता, सब कुछ सेम है, वही एक चीज डिफरेंस है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस हमें देखने को मिलती है आईफोन 12 मिनी में 625 nits की, वही आईफोन 13 मिनी में हमें देखने को मिलता है 800 nits की। HDR वाली ब्राइटनेस मैंने पहले बताया सेम है इस कैटेगरी में, तो यहां पे 1200 nits की हमें HDR ब्राइटनेस देखने को मिलती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चेंज है वो है A15 बायोनिक चिप को लेके, लेकिन A15 बायोनिक चिप के बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, तो अलग से उसको बताने का मतलब नहीं बनता। सेम A14 और A15 बायोनिक चिप दोनों में ही हमें देखने को मिलता है, जिसमें बहुत ज्यादा मेजर चेंज कुछ भी नहीं है। आ जाते हैं कैमरा के ऊपर। दोस्तों यहां पे कैमरा में हमें देखने को मिलता है डुअल कैमरा सेटअप दोनों ही फोन में, और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ही सेम है, जहां तक हमें अपर्चर भी सेम देखने को मिलता है F1.6 और F2.4 की। दोस्तों मेजर जो चेंज है कैमरा में वो है स्मार्ट HDR3 को लेके, स्मार्ट HDR3 अब हो चुका है स्मार्ट HDR4, और ऑब्वियसली बात है ये मैं फोटोज के बारे में बात कर रहा हूं, और यहां पे एप्पल का नया इंट्रोड्यूस किया हुआ एप्पल फिल्टर तो मिलता ही है, फोटोग्राफी स्टाइल आप कह सकते हो एप्पल की भाषा में। यहां पे वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चीज की गई है कि सिनेमैटिक मोड हमें देखने को मिलता है आईफोन 13 मिनी में। हालांकि एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आईफोन 13 के पूरे ही सीरीज में आपको सिनेमैटिक मोड देखने को मिलेगा, लेकिन जो सिनेमैटिक मोड आईफोन 13 में देखने को मिलता है 128 GB यानी कि बेस वेरिएंट में, वो मिलता है 1080p @30fps। बिलीव नहीं होता तो आप यहां पढ़ सकते हो, यही सेम सिनेमैटिक मोड का कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है आईफोन 13 मिनी में, और ऑब्वियसली बात है सिनेमैटिक मोड हमें नहीं दिया गया था आईफोन 12 में, तो वो वहां पे मौजूद नहीं है। 4K रिकॉर्डिंग की बात करूं तो यहां पे दोनों ही फोन 60fps तक 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और HD वीडियोस को भी बेसिकली आप 60fps तक ही रिकॉर्ड कर सकते हो। HDR Dolby Vision की बात करूं तो यहां पे दोनों ही फोन HDR Dolby Vision वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली आपको iPhone 12 mini में मिलता है 30 frames per second का सेटिंग, लेकिन iPhone 13 में यह बढ़ के हो चुका है 16 frames per second का सेटिंग। बेसिकली वही डिफरेंस है जो iPhone 13 से iPhone 12 में था, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें यहां देखने को नहीं मिलते। दोस्तों वही फ्रंट कैमरा में भी सेम डिफरेंस है, मैं अलग से नहीं बता रहा हूं, आप यहां पे आराम से वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। बेसिकली वही दो मेजर चीज की डिफरेंस है और कहीं भी कुछ भी नहीं है, सेम है सारा चीज, इवन हार्डवेयर भी सेम है। तो मैंने शुरू में कहा था जो भी चीजें की गई हैं आईफोन 13 में वो ज्यादातर सॉफ्टवेयर सेंट्रिक है। दोस्तों यहां पे एक और जो मेजर चेंज है वो है बैटरी को लेके। बैटरी की जो प्लेबैक टाइम है, वीडियो प्लेबैक टाइम बेसिकली, वो 15 घंटे से बढ़ के 17 घंटे हो चुकी है। 17 घंटे पहले आईफोन 12 में हमें मिलता था, अभी भी मिलता है, और यहां पे आईफोन 13 में हमें देखने को मिलता है 17 घंटे का बैटरी बैकअप। दोस्तों वहीं अगर मैं बात करूं इन दोनों ही फोन के प्राइस की, तो यहां पे इन दोनों फोन की प्राइस जो स्टार्ट होती है वो होती है 49,200 से आईफोन 12 मिनी की प्राइस स्टार्ट हो रही है, और आईफोन 13 की प्राइस स्टार्ट हो रही है 69,900 रुपीज से। यहां पे एक चीज गौर करने वाली है कि जो आईफोन 13 मिनी है वो आता है 128 GB स्टोरेज के साथ। सो गाइस ये थी पूरी डिटेल बेस वेरिएंट आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी के बारे में कंपैरिजन, प्रीवियसली अपने फोन से वो कितना बेहतर है, जो प्राइस रखी गई है आप अब बेहतर तरीके से जज कर सकते हो कि वो प्राइस सही है या नहीं।
आपके ऊपर है कि आप ये फोन लेना चाहते हो कि नहीं। बेसिकली मैं कोई नहीं होता बताने वाला, बट हाँ डिफरेंस बताना मेरा काम है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप वो समझ चुके होंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज यार लाइक कर देना, नए हो चैनल पे नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा दबा दो, 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है जल्दी से पहुंचा दो। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।